जय हिंद दोस्तों। 10+2 के बाद बिल्कुल एक ऐसा करियर जिसकी आप कल्पना करते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द ड्रीम ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे NDA ट्रेनिंग के दौरान दी जाने वाली सैलरी और प्रोमोशन के बारे में, साथ ही NDA ऑफिसर पोस्ट वाइज क्या सैलरी होगी, बेसिक सैलरी के साथ कौन कौन से अदर अलाउंसेस मिलेंगे, व्हाट आर द अदर पर्क्स और अन्य बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। जब तक आप डिग्री या बीटेक करने को सोचते हैं, तब तक NDA के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एक अवसर बन चुके होते हैं। NDA की 3 वर्ष की सम्मिलित कोर्स पूरी होने के बाद 1 साल की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने विशेष प्रशिक्षण के लिए IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स AFA में जाते हैं और नेवी वाले कैंडिडेट्स INA में जाते हैं। और इसी 1 साल की विशेष ट्रेनिंग के दौरान ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है। 7th पे कमीशन के अनुसार स्टाइपेंड की अमाउंट फ्लैट 56,100 रुपये प्रति माह है, लेकिन आपको मंथली 21,000 रुपये ही मिलते हैं और बचा हुआ एरियर अमाउंट ट्रेनिंग के बाद एक साथ आपके अकाउंट में आ जाता है, वो होता है लगभग 2,50,000 रुपये। 56,100 रुपये का ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार है। बेसिक पे 15,600 रुपये प्लस ग्रेड पे 5,400 रुपये बराबर 21,000 रुपये प्रतिमा आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। डियरनेस अलाउंस 167%, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। NDA कैडेट्स को उनके पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो आइए जानते हैं NDA कैडेट्स को पोस्ट वाइज मिलने वाली सैलरी का विवरण। ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स लेफ्टिनेंट की पोस्ट एक्वायर करते हैं, जिसकी पेएबल अमाउंट 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रतिमा होती है। जो 56,100 रुपये हैं वो एक्चुअल मिनिमम सैलरी होती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं बेसिक पे, ग्रेड पे और डियरनेस अलाउंस। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को एक्चुअल इनहैंड सैलरी अराउंड 75,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे अदर अलाउंसेस भी एडेड होते हैं। अगर आप कैप्टन की पोस्ट में हैं तो आपकी इनहैंड सैलरी 61,300 रुपये से 1,93,900 रुपये प्रतिमा होती है। अगर आप मेजर बनते हैं तो आपकी सैलरी 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये प्रतिमा होती है। और अगर आपकी पोजीशन लेफ्टिनेंट कॉलोनल की है तो आपकी इनहैंड सैलरी 1,21,200 रुपये से 2,12,400 रुपये प्रतिमा होती है। इस तरह से अगर आप कॉलोनल हैं तो आपकी सैलरी ये होगी, और इसी तरह से आपकी रैंक के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सैलरी के साथ साथ NDA कैडेट्स अदर अलाउंसेस के भी हकदार होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बेसिक सैलरी के साथ अन्य कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। फ्लाइंग अलाउंसेस, जो कि पायलट्स के लिए होते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 25,000 रुपये प्रतिमाह। फील्ड एरिया अलाउंसेस, ज़्यादातर रेजिमेंट्स में ऑफिसर की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र हर 2 वर्ष में होती है, और जिन लोकेशन में पोस्टिंग होती है उन्हें पीस एरिया, मॉडिफाइड एरिया और हाईली एक्टिव एरिया की कैटेगरी में बांटा गया है, और इसी हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस 6,300 रुपये प्रतिमाह, फील्ड एरिया अलाउंसेस 10,500 रुपये प्रतिमाह, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस 16,900 रुपये प्रतिमाह। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अर्थात ऊंचाई इलाके, जब आपकी पोस्टिंग पहाड़ी इलाकों में होती है तब आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जिसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी 1 में मिलते हैं आपको 3,400 रुपये प्रतिमाह, श्रेणी 2 में मिलते हैं 5,300 रुपये प्रतिमाह और श्रेणी 3 में मिलते हैं 25,000 रुपये प्रतिमाह। सियाचिन अलाउंस, जहाँ पे ड्यूटी बहुत ही चैलेंजिंग मानी जाती है, क्योंकि यह पूरा एरिया बर्फीला होता है, इसलिए उस जगह ड्यूटी करने वाले जाबाजों की अलाउंसेस 42,500 रुपये प्रतिमाह होती है। यूनिफॉर्म अलाउंस, जिसमें आपको मिलते हैं 20,000 रुपये प्रति वर्ष। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो हायर ट्रांसपोर्ट वाली सिटीज़ हैं उनमें आपको मिलता है 7,000 रुपये प्लस TNS अलाउंस प्रति माह,
और जो बाकी बचे लोकेशन है वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3,600 रुपये प्लस DNS अलाउंस प्रति माह। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA 2,225 रुपये प्रति माह केवल 2 बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि स्पेशल कंडीशन में दी जाती है। इन अलाउंसेस के साथ रहने के लिए क्वार्टर अगर आप फैमिली मैन हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑफिसर मेस से अटैच रूम मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है मेस और आपको और आपके परिवार को मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिलती है, और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। जो कैंडिडेट्स NDA एग्ज़ाम के माध्यम से चुने जाते हैं उनका स्टेज वाइज प्रमोशन होता है। प्रमोशन कैंडिडेट्स के प्रदर्शन और अनुभव पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं NDA कैडेट्स को कैसे और कितने सालों में प्रमोशन मिलती है। ऑन कमीशन आर्मी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। 2 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स कैप्टन बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनते हैं। 6 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स मेजर बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं। 13 साल की सर्विस के बाद आर्मी वाले कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स कमांडर बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स विंग्स कमांडर बनते हैं। इसके बाद सेलेक्शन के आधार पर इनका प्रमोशन होता है, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जो लिखित एवं फिजिकल पर आधारित होते हैं, जिसमें आर्मी वाले कैंडिडेट्स कॉलोनल बनते हैं, नेवी वाले कैंडिडेट्स कैप्टन बनते हैं, और एयरफोर्स वाले कैंडिडेट्स ग्रुप कैप्टन बनते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता वे 26 साल की सर्विस के बाद वही पोजीशन एक्वायर करते हैं। इसी तरह से सिलेक्शन के आधार पर और टर्म वाइज प्रमोशन होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।